कलयुग से हम सभी अवगत है कि कलयुग कितना ही मनुष्य के लिए जहरीला और खतरनाक है, पर यह तो चरम पर पहुंचा भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कलयुग के अंत में क्या होगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यूरोप के प्रसिद्ध ब्रह्मांडवेत्ता कार्ल सेगन ने उनकी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है कि विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो इस विश्वास पर समर्पित है कि इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति और लय की एक सतत प्रक्रिया चल रही है, और यही एक धर्म है जिसने समय के सूक्ष्मतम से लेकर वृहत्तम नाप, जो सामान्य दिन रात से लेकर 8,64,00,000,000 वर्ष के ब्रह्मा के दिन रात तक की गणना की है, जो संयोग से आधुनिक खगोलकीय नापों के निकट है। आपको ये कथा स्मरण होगा जिसमें श्री कृष्ण मिट्टी खाने के बाद माता यशोदा को मुंह खोलकर बताते हैं तो उसमें आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, वैकारिक अहंकार के देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएँ और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़ते हैं। जहाँ ये हुआ था, आज भी वह स्थान ब्रह्मांड के नाम से ब्रिज में तीर्थ रूप में स्थित है। इसका सीधा सार्थ इतना है कि जिस ब्रह्मांड को आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं, वह हजारों लाखों वर्ष पूर्व हिंदुओं को पता था। सनातन धर्म हमेशा से ही कहता आ रहा है कि कण कण में भगवान है, और आज स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उसी भगवान कर्ण की खोज कर रहे हैं। अब सुनिए नैमित्तिक प्रलय को कैसे वर्णन किए हैं। ततो दिनकरे दीप्तय सप्त भीर्मनु जाध्याय पियते सलीनम सर्व समुद्रेषु सरित्सु, जिसका अर्थ है कि एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी की समाप्ति पर आने वाले कलयुग के अंत में 7 सूर्य एक साथ उदित होंगे, और तब उष्मा इतनी बढ़ जाती है कि पृथ्वी का सब जल सूख जाता है। हमारी कालगणना से एक कल्प का मान 4,32,00,000,000 वर्ष है। देखिए आज का विज्ञान क्या कहता है। नोबल पुरस्कार से सम्मानित चंद्रशेखर के चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 सूर्यों से अधिक नहीं है तो प्रारंभ में कई अरब वर्ष तक उसका हाइड्रोजन हीलियम में संघटित होता रहकर अग्नि रूपी ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा। हाइड्रोजन की समाप्ति पर वह तारा फूल कर विशाल लाल दानव बन जाएगा। फिर करीब 10,00,00,000 साल तक लाल दानों की अवस्था में रहकर तारा अपनी शेष नाभिकीय ऊर्जा को समाप्त कर देता है, और अंत में गुठली के रूप में अति सघन द्रव्यमान का पिंड रह जाता है, जिसे श्वेत वामन कहा जाता है। श्वेत वामन के एक चम्मच द्रव्य का भार 1 टन से भी अधिक होता है। फिर यही धीरे धीरे कृष्ण वामन बन जाता है। लगभग 5 अरब वर्ष में हमारा सूर्य भी लाल दानव बन जाएगा। इसके विशाल उष्मीय विघटन की चपेट में बुध और शुक्र समा जाएंगे। भीषण तापमान बढ़ जाने से पृथ्वी का जीवन जगत लुप्त हो जाएगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। महाभारत युग में यह कल्पना कर लेना कितना कठिन था, कि मगर इस पुरुषार्थ को हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया। मूलतः सूर्य सिद्धांत ग्रंथ सतयुग में लिखा माना जाता है, वह नष्ट भी हो गया, मगर उस ग्रंथ के आधार पर ज्योतिष गणना कर रहे गणनाकारों के द्वारा पुनः सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखवाया गया, इस तरह की मान्यता है। कृत युग के अंत में मंदोच को छोड़कर सब ग्रहों का मध्य स्थान मेष में था। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रेता के प्रारंभ में 7 ग्रह एक सीध में थे। मूलतः एक चतुर्युगी में कुल 10 कलयुग समान समय होते हैं, जिनमें सतयुग का मान 4 कलयुग, त्रेता युग का मान 3 कलयुग, द्वापर युग का मान 2 कलयुग और कलयुग का मान 1 कलयुग है। वर्तमान कलयुग महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात प्रारंभ हुआ। यह 5121 कलि संवत है। कलयुग की आयु 4,32,000 है। कलयुग का 2 गुना
अर्थात 8,64,000 द्वापर युग था। त्रेता युग अर्थात 12,96,000 था। सतयुग अर्थात 17,28,000 था।